बिहार शरीफ के बाजार समिति परिसर में रविवार के दिन सब्जी व फल विक्रेता व्यापारियों ने बैठक कर पुनः सब्जी मंडी को दीपनगर स्टेडियम से बाजार समिति शिफ्ट करने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी जनार्दन अग्रवाल से गुहार लगाया। वर्तमान समय में दीपनगर स्टेडियम में भीड़भाड़ को देखते हुए बाजार समिति ने सब्जी और फल विक्रेता को शिफ्ट किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में जब लॉकडाउन खुल गए तो सभी तरह के प्रतिष्ठान भी हो चाहे वह माल या धार्मिक स्थल किसी भी प्रकार की दुकानें और सभी को खोलने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में गद्दीदारों की मांग है कि उन्हें बाजार समिति के शिफ्ट किया जाए क्योंकि दीपनगर स्टेडियम में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में मानसून भी प्रवेश कर चुका है, ऐसे में व्यापार करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी व फल विक्रेता संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार शरीफ के आसपास 3 से 4 जगह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर किसान सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों और खुद किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक स्थान पर नहीं रहने के कारण सब्जी की बिक्री नहीं होती है, कहीं व्यापारी पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से फिर से बाजार समिति को दीपनगर स्टेडियम में शिफ्ट करने की मांग की है। इस मौके पर दर्जनों आढ़ती मौजूद रहे। क्या हुआ, क्या परेशानी आप लोग को? परेशानी हम लोग का है जो देखा जा रहा है, जो ज़्यादा परेशानी है कि हम लोग को बाज़ार समिति से जगह पर बाज़ार समिति लाकर अपने अपने कार्य अपना अपना सही सलामत करेंगे। उनका आदेश होगा तो हम लोग आएंगे, बिना आदेश के कैसे आएंगे। परेशानी से बहुत लोग अपने में अपने आप में कह रहे हैं कि 20 तारीख या 21 तारीख से आपातकाल अनिश्चितकाल हम बंद कर देंगे, जिससे किसान और व्यापारी को बहुत जहाँ पर है वहाँ पे क्या परेशानी है? वहाँ पर इस तरह का घटना ऐसा बार बार हो रहा है। जाने आने में सुबह 4 बजे भोर में 5 किलोमीटर की दूरी है दीपनगर स्टेडियम में। कोई मोटरसाइकिल से जाते हैं उनका चेकिंग होता है, फलना होता है। 2 मोटरसाइकिल पर जाते हैं वाहन पर उनका मैंने कष्ट दिया जाता है कि एक आदमी बहुत तरह का कष्ट है सर। ऐसा आदेश उनके ऊपर रहेगा तो हम लोग का काफ़ी परेशानी है। ये काफ़ी परेशान का निदान सरकार अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से होगा, इससे हम लोग सही संतुष्ट होंगे। क्या मांग है आप लोग का अगर फिर से बाजार हम लोग को बाजार समिति प्रांगण में फिर से लाकर बसा बसाया जाए ताकि अपना अपना कारोबार सही सलामत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सामान के भी सुरक्षित होगा, वहाँ सामान का सुरक्षित नहीं है, टेंट में खुला में रहता है, बारिश होता है, बारिश से भी कुछ सामान सब्जी ऐसा भिग जाता है, उससे ज़्यादा बर्बादी होता है। जो माल बचता है उसको रखने में असुविधा है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार गुप्ता। आप क्या हैं? 18 साल